नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आज हम बात करेंगे हाउ टू क्विट स्मोकिंग या फिर सिगरेट कैसे छोड़नी है। वेल, मैं थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ। आई हैव स्मोक्ड सिगरेट फॉर 10 ईयर्स। मैंने 10 साल तक सिगरेट पी है और अभी पिछले 7 सालों से मैंने सिगरेट क्विट की है और सिगरेट मेरे लाइफ से जा चुकी है। और आई थॉट कि ये एक्सपीरियंस मैंने शेयर करना चाहिए सबके साथ, द पीपल हु आर रेडी टू क्विट स्मोकिंग और जिनको जानना है कि सिगरेट कैसे छोड़ी जा सकती है। वेल, बेसिकली मैंने बहुत ही इजी टेक्निक मेरे लाइफ में फॉलो की है और वो टेक्निक आपसे शेयर करने के पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये है क्या। बहुत ही इजी टेक्निक है। वेल, कोई भी चीज़ अगर हम रोकें, दबाएं, या फिर इन सिंपल वर्ड्स, इफ़ यू सप्रेस समथिंग, यू ऑप्रेस समथिंग ऑन अ माइंड लेवल, मन के लेवल पे, तो वो चीज़ आपको फोर्स करेगी या फिर माइंड आपको फोर्स करेगा कि आप करें। इन सिंपल वर्ड्स, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी आप एक काम कीजिए, डू नॉट थिंक अबाउट येलो एलिफेंट, पीले हाथी के बारे में आप अभी मत सोचिए। क्या हुआ? योर माइंड शोड यू द पिक्चर दैट आई जस्ट टोल्ड यू। मैंने आपको जो करने के लिए कहा, पीला हाथी का इमेज आपके आंखों के सामने आ गया। तो बेसिकली ये हमारे मन की विशेषता है कि वो हमेशा नकारात्मक चीज़ों में या फिर नकारात्मक विचार करता है। इट ऑलवेज थिंक्स नेगेटिव और इट ऑलवेज गोज इनटू एक्सट्रीम, लाइक दिस इज़ वन एक्सट्रीम, दिस इज़ सेकंड एक्सट्रीम। तो आज मैं सिगरेट बिल्कुल नहीं पीऊँगा, मैंने सिगरेट छोड़ दी है, या फिर दूसरा एक्सट्रीम रहेगा कि आई विल स्मोक टिल आई डाई टुडे, मैं आज 2 पैकेट पी लूँगा, 5 पैकेट पी लूँगा, वट एवर, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रेस्ड और आई एम वेरी हैप्पी और आई जस्ट फील लाइक डूइंग इट। तो ये टेक्निक जो है ये बेसिकली काम करती है आपके माइंड के लेवल पे। यू कैनॉट कंट्रोल योर माइंड, दैट इज इम्पॉसिबल। यू कैनॉट ऑप्रेस योर माइंड, क्योंकि माइंड हमारे से कई गुना शार्प और स्मार्ट है। एक्सेप्ट इट, दिस इज हाउ इट इज, दैट्स व्हाई वी आर स्लेव ऑफ दिस माइंड, वी आर नॉट द मास्टर्स। तो ये टेक्निक जो है ये मेडिटेशन के लेवल पे काम करती है और जैसे आप ये टेक्निक फॉलो करोगे आपको समझ में आएगा। हमें बचपन से सिखाया गया है कि यू नो योर लाइफ हैज़ टू बी गोल ओरिएंटेड। अगर आप ये करना है, वो करना है, ज़िंदगी आगे बढ़नी है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, इट्स लाइक वेरी यू नो गोल ओरिएंटेड। तो आवर माइंड ऑल्सो वर्क्स इन दैट वे। और माइंड की विशेषता ये है कि वेन एवर यू वर्क वेरी हार्ड अबाउट समथिंग एंड अचीव दैट थिंग, उसकी वैल्यू एकदम गिर जाती है, वी जस्ट लूज द वैल्यू, दैट्स हाउ माइंड वर्क्स। सो माइंड, हाउ माइंड ट्राइज टू कंट्रोल यू, इट्स लाइक यू नो कि वो आपको हमेशा एंगेज रखता है वन एक्सट्रीम से अनदर एक्सट्रीम तक। तो आपको टाइम नहीं मिलता है कि टू अंडरस्टैंड व्हाट माइंड इज, टू विटनेस हाउ थॉट वर्क्स, टू विटनेस हाउ फीलिंग वर्क्स। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है कि वेन एवर यू फील लाइक स्मोकिंग, एक्सेप्ट दैट आई वॉन्ट टू स्मोक। इस इच्छा को दबाइए मत, ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतनी आपकी अर्ज, उतनी आपकी तलब और बढ़ेगी। गो बैक टू योर पास्ट एंड यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग एट द मोमेंट, मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। सो द बेस्ट थिंग इज कि आपके अर्जेस को, आपकी तलब को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भाई ठीक है, आई वॉन्ट टू स्मोक, आई एम अ स्मोकर और मैं एडिक्ट हूँ और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। उससे होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। आपके मन में जो गिल्ट है कि यार मैं मेरे बॉडी को तकलीफ दे रहा हूँ, मुझे माइंड के लेवल पे भी तकलीफ हो रही है और आई एम स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी ऑन दिस, मेरे बहुत सारे पैसे भी इसमें जा रहे हैं,
वो जो इम्पोर्टेंस है वो गिर जाएगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. वेन एवर यू गो लिट अ सिगरेट, बस आपको देखना है, आपको अपने माइंड को, आपके विचारों को सिर्फ देखना है. ना इसके साथ एंगेज होना है, ना इसको रोकना है, ना दबाना है, बस देखना है कि मैं अभी सिगरेट मुंह में डाल रहा हूँ, मैंने कश लिया है, मैं धुआं बाग छोड़ रहा हूँ, मुझे एक छोटा सा एक हल्का सा हल्कापन लग रहा है, बज है, और मैं इस मोमेंट में ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं एक स्मोकर हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत है. दैट्स इट. बहुत सिंपल है. मैं बताता हूँ इसे होगा क्या. जो माइंड आपके साथ गेम्स खेल रहा है कि तू सिगरेट पी ले बिकॉज यू वांट इट, या फिर दूसरे एक्सट्रीम में यू शुडंट स्मोक, ये जो गिल्ट वाला फेज जो है वो आप इजीली देख पाएंगे, इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे. और जैसे मैंने पहले कहा कि जब इसकी इम्पोर्टेंस एकदम कम हो जाएगी, आपकी सिगरेट अपने आप गिर जाएगी. बिकॉज यू विल बी एबल टू विटनेस योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, एंड यू विल एबल टू सी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिगरेट मुझे पी रही है या फिर मैं सिगरेट को पी रहा हूँ. एज सिंपल एज दैट. मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सिगरेट एक दो दिन में छूट जाएगी, बट आप ये करके देखिए एंड देन सी द मैजिक. अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को आप देखिए. ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड. ये मेरे साथ हो चुका है तो आपके साथ भी हो सकता है. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. और योर माइंड ऑलवेज वॉन्ट्स टू डू थिंग्स विच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज ये माइंड का स्वभाव है कि कोई भी सिंपल चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता. एंड दिस इज द मोस्ट सिंपल टेक्निक. आपको बस सिगरेट पीते हुए अपने माइंड को देखना है कि माइंड क्या कह रहा है, आपके थॉट्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, एंड बी मोर अवेयर अबाउट योर ओन सेल्फ. दैट्स इट. And you should not say to you all the time कि मुझे जल्दी छोड़नी है, मुझे जल्दी छोड़नी है, मुझे जल्दी छोड़नी है, मुझे सिगरेट अभी नहीं चाहिए, मुझे बाद में नहीं छोड़नी है, मुझे अभी छोड़नी है. Always say I'm very 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 patient. I'm very very patient. जब सिगरेट छूटनी है तब छूट जाएगी. And I accept it. I'm very patient. I'm attached to this cigarette, and this is just a cigarette. I am attached to it. The cigarette is not attached to me. अगर ये आप जान लेंगे तो आपकी सिगरेट ऐसे छूट जाएगी. If you like this technique, अगर आप ये टेक्निक फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए हाउ योर ग्रोथ इज हैपनिंग. आपकी प्रोग्रेस स्टोरीज शेयर कीजिए. And help others by sharing this video. As simple as that. Life is simple. Thank you.